आपका मेरे ऑसम चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आपको पता है हम ये डैशबोर्ड बना रहे थे, ओके, एंड इसमें कुछ चीजें रह गई थी, ठीक है ना। जैसे कि हमने अभी तक इसमें कंप्लीट डैशबोर्ड का पेज बनाया था जिसमें हमने यूजर एंड हम ये देखिए हम ये वाला बना रहे थे, ठीक है ना। इसमें टोटल यूजर, टोटल ऑर्डर्स आ जाएंगे एंड टोटल प्रोडक्ट्स एंड टोटल रिव्यूज आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सो आप अपने अकॉर्डिंग ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड राइट में एक चार्ट है, ठीक है ना। एंड उसके बाद ही सारे प्रोडक्ट हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पर मैंने ये ओनली फ्रंट एंड है, ठीक है ना, जिसमें हम बस इसके अंदर यूआई पार्ट बना रहे हैं, ओके। एंड इसके अंदर हमने एक टेबल की लिस्टिंग दी है जिसमें हमारे सभी प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो हमने ये व्यू बनाया था, ठीक है ना। इसके बाद हमने बनाया था प्रोडक्ट लिस्ट का, ये प्रोडक्ट लिस्ट है पूरी, ठीक है ना। एंड ये प्रोडक्ट व्यू है कि यहाँ से यूजर कंप्लीट प्रोडक्ट का डिटेल देख सकता है, ठीक है ना। देखिए कितना अच्छी तरह से मैंने बनाया था ये, ठीक है गाइस। एंड इसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट अपलोड का बनाया था, बट ये प्रोडक्ट अपलोड अभी कंप्लीट नहीं है आई थिंक, ठीक है ना। सो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट अपलोड में क्या क्या फील्ड देंगे। देखिए इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ब्रांड ब्रांड ना, बट मैंने यहाँ पर तीन ही ऐड कर रखी है, ठीक है ना। आज की वीडियो में मैं इस फॉर्म को कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। एंड बॉटम में ये भी ऐड करूंगा, ठीक है ना, इमेज अपलोड के लिए इसका यूआई। तो गाइज एंड इसके बाद मैंने इसके अंदर बनाया था साइन इन एंड साइन अप का पेज। इस साइन इन एंड साइन अप का पेज आएगा हमारा, साइन इन। देखिए दोस्तों ये कंप्लीट इसका साइन, क्या नाम, लॉगिन का पेज है जो हमने बनाया था, ठीक है। एंड ये हमारा रजिस्टर का पेज है जो हमने बनाया था, ठीक है ना। एंड अब हम बनाने जा रहे हैं इसमें प्रोडक्ट अपलोड को आगे से करना, ठीक है गाइस। सो आज की वीडियो में हम इसमें फॉर्म बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी आधा अधूरा रह रहा है, ठीक है ना, जिससे अच्छा नहीं लग रहा अभी। एंड गाइस अगर इसका कंप्लीट सोर्स कोड आपको चाहिए तो आप प्लीज मेरे चैनल पे देख लेना, ओके, आपको मिल जाएगा। एंड गाइस हमने इसी एडमिन को इस वाली प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ, यूज किया हुआ है, ठीक है ना। ई कॉमर्स वेबसाइट की जो प्लेलिस्ट है इसमें कंप्लीट मैंने यूज किया हुआ है, आप जाके चेकअप कर लेना, एंड सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। सो गाइस चलिए देर ना करते हो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ये, सो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बनाना जल्दी से। सो मैं स्टार्ट करूंगा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट अपलोड पे जाऊंगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट अपलोड पे जाने के बाद मैंने देखिए सारा यहां पर बनाया हुआ है, बस हमको कॉपी पेस्ट करना है। मैं आपको बता दूंगा क्या क्या मैंने ऐड किया हुआ है। मैं गया एडमिन में, SRC पेजेस में, प्रोडक्ट में, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें अभी आ गया हमारा टाइटल, ऑर्डर, डिस्काउंट, सारा हम बनाएंगे। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिए मैंने ये कंप्लीट फॉर्म कॉपी कर लिया, ये रहा फॉर्म, ठीक है, मैंने ये कंप्लीट फॉर्म कॉपी कर लिया। एंड यहां से बहुत सी चीजें रिमूव करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट नेम रहने देंगे, यहां से ये वैल्यू हटा देंगे, एंड ये ऑन चेंज हटा देंगे, ठीक है ना। ऑन सबमिट यहां से रिमूव कर देंगे, ये भी हटा देंगे, एंड ये सिलेक्ट है, ठीक है ना, ये सिलेक्ट बॉक्स है। इसमें हमारा क्या आ रहा है, कैटेगरी वैल्यू। सो एक करके हम क्या करेंगे, यहां पर मेन्यू आइटम में स्टैटिक डालेंगे पूरा, ये हमारा स्टैटिक है पूरा, क्योंकि ठीक है ना। ये आ गया, ये ऑन क्लिक बटा देंगे यहां से,
यहाँ पर कैटेगरी का नेम आ जाएगा मैन, वुमेन एंड किड्स। ये मैन आ गया, वुमेन किड्स। ठीक है, और एक एक करके और यहां पर काम करते रहेंगे। वैल्यू हटा देंगे, ये भी कंप्लीट हटा देंगे। ठीक है, एंड इसमें आ जाएंगे हम मैन में जेंस, ओके, शर्ट्स। ठीक है, ये हमारा प्राइस है, ये हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट फील्ड है, ये इस सब हटा देंगे। इस फ्यूचर्ड ट्रू फॉल्स, ठीक है, और आगे देखते हैं, ये हटा देंगे, ये ब्रांड हटा देंगे, ये भी रिमूव। ये हमारी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन है मल्टीपल, एंड इसे कॉपी किया। ये प्रोडक्ट रैम्स थी हमारी, तो मैंने यहां पर क्या काम किया, 2 GB, 4 GB से स्टार्ट करते हैं, 4 GB, 8 GB, 8 GB। ठीक है, ये भी आ गया, एंड यहां से वैल्यू कटा देंगे, यहां से भी वैल्यू हटा देंगे। ये हमारा प्रोडक्ट वेट है, इसको हम हटा देंगे कंप्लीट। ये है हमारा प्रोडक्ट साइज, ये भी हटा देंगे। ठीक है, एंड ये आ जाएगा रेटिंग ओनली, एंड रेटिंग के अंदर हटा दिया रेटिंग। ठीक है ना, एंड ये लोकेशन है, ये हटा देंगे। ये देखिए हमारा बॉक्स है, ठीक है ना, अपलोडिंग का। यहां पर ऐसा आ गया, एंड मैं क्या करता हूं, यहां से आऊंगा कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, एंड ऑन क्लिक पे ये हटा दूंगा। एंड ये हटाऊंगा, कंप्लीट इसके अंदर आ जाएगा, ये ऑन चेंज हट जाएगा यहां से, एंड यहां से डिसेबल हटाएंगे। ठीक है, अगर गाइस प्रॉपर आपको देखना है ना इसका डेवलपमेंट, तो मेरी रिएक्ट वाली प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लेना, ये वाली, इसमें मैंने कंप्लीट एडमिन का डेवलपमेंट भी बताया है। ठीक है, सो यहां पर आप एक एक करके ले लेंगे, जरा यहां से वैल्यू हटाएंगे, ठीक है, एंड उसके बाद कह रहा है ये ऑन चेंज हटा देंगे अभी। ठीक है, ये भी हटाएंगे, ये भी हटा देंगे प्रोटोग्राम्स, मेन्यू प्रॉप्स,
ये रहा मेन्यू क्रॉप्स, ठीक है, इसे कॉपी किया, यहां पर पेस्ट, ओके। एंड यहां पर मुझे क्या करना है, मेन्यू आइटम सिलेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है, ये ऑलरेडी इंपोर्टेड है। इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, हटा देंगे यहां से। ये दोनों आइकन चाहिए, लेजी लोड इमेज, ठीक है। एंड इसको मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। एंड ये पहले ये वाले भी इंपोर्ट कर लेते हैं जल्दी से, ये रहा, ठीक है ना। एंड मैं यहां पर क्या करूंगा, npm इंस्टॉल चला दूंगा, उससे क्या होगा, हमारा लेजी लोड इमेज कंपोनेंट का ना ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा इसके अंदर। देखिए गाइस, ये इंस्टॉल हो चुका, यहां से इंपोर्ट करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे यहां से, ठीक है, यही है। सो मैं ये कमांड कॉपी करूंगा एंड यहां पर पेस्ट, ये पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया। ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा पैकेज, मैं रिफ्रेश करूंगा एक बार। वैल्यू प्रॉप्स, ये कैटेगरी वैल्यू को एरे होना है, ठीक है। देखिए गाइस, ये कंप्लीट हमारा यहां पर आ गया फॉर्म बन के, देखिए ये कंप्लीट हमारा फॉर्म बन गया। एंड बस ये रह गया है, ठीक है ना, इसका मैं देखता हूं आगे, इसकी हमको सीएसएस चाहिए बस। ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ बताया हुआ है इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है ना, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, एंड यहां पर हमारा ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पर फंक्शन भी लगाएंगे अभी हम, इमेज अपलोड सेक्शन या इमेज अपलोड बॉक्स, ये रहा, ठीक है। कॉपी कर लिया एंड इसके सीएसएस में ऐड कर दिया, ये मैंने आपको एक एक करके बताया होता, ठीक है ना, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। देखिए परफेक्ट तरीके से हमारा ये भी बन गया, ठीक है। एंड बस हमको अब ये लिस्ट का ही कुछ करना है, ठीक है। अब हमको लिस्ट का एक एक करके करना है, जैसे कि मानो हमारी कैटेगरी है, ये रही कैटेगरी, ठीक है।
उसमें हमको यहां पर ये जो कैटेगरी वैल्यू है इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, एंड ये जो हैंडल चेंज कैटेगरी है इसका चेक करते हैं अभी दोबारा। देखिए ये प्रॉपर चल रहा है हमारा। देखिए यहां पर ये क्या हो रहा है, यहां पर क्या होगा, ऑन सिलेक्ट में यहां पर क्या होगा, वैल्यू आएगी, वैल्यू में रखना हमको, ठीक है। वैल्यू में मैन वुमेन ये किड्स, अब चेक करते हैं एक बार इसको। मैन वुमेन किड्स ये परफेक्टली हो गया हमारा, ठीक है। अब आती है इसकी सब कैटेगरी की बारी, सब कैटेगरी ये रही, ठीक है। यहां पर पेस्ट कर दिया, एंड यहां भी वही कर लेंगे हम, वैल्यू जेंस शर्ट, ठीक है। एंड यहां पर मैं जाऊंगा, ये फंक्शन है कॉपी किया, यहां पर गए इस हटाया, एंड यहां पर ये लिया, ठीक है। अब सब कैटेगरी का चेक करते हैं, ड्रॉप डाउन, वेरी गुड, ये भी चल गया। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये चल रहा है प्रॉपर, एंड ये भी चल रहा है प्रॉपर, ठीक है ना। अब रहता है हमारा ये जो प्रोडक्ट रैम्स है ना, ये हमारी मल्टीपल है। एंड गाइस एक चीज और देखिए, यहाँ पर ना इनके फील्ड्स बहुत हाइट पर छोटी हैं, बड़ी करते हैं इन फील्ड्स को जरा। हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, प्रॉपर। अब देखिए ये हमारी ये जो प्रोडक्ट रैम्स है ना, ये हमारी मल्टीपल है, ठीक है ना। 8 इसको कर दिया, 10 इसको कर देंगे, 12, ठीक है। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट रैम्स हैं, ये तीनों मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मल्टीपल होंगे हमारी, एंड मैंने यहां पर गया, ओके, एंड यहां पर पेस्ट कर दिया, स्पॉट आया, ये हटा देंगे, सबमिट फॉर्म जो है ना, सबमिट फॉर्म हटा देंगे यहाँ से। एंड देखिए इसके अंदर से हम ये सब कुछ हटाएंगे,
ये हटाया एंड ये हटाया, ठीक है ना। एंड ये जो प्रोडक्ट रैम्स हैं ये रहा, ठीक है। इसको हमने ले लिया एरे, कि स्टेट लेंगे एरे में, तो फॉर्म फील्ड्स कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है देखते हैं जरा। ऑन चेंज फाइल को भी हटा देंगे हम, ऑन चेंज इनपुट को भी हटा देंगे हम, ओके। एंड ये भी हटा देंगे हम। अब चेक करते हैं कि हमारी मल्टीपल फील्ड्स अब ड्रॉप डाउन इनेबल हो गई है या नहीं। नहीं अभी नहीं हुई है। क्या प्रॉब्लम है ये? मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रैम्स पे, एंड देखिए इसमें वैल्यू भी तो आनी चाहिए ना। फोर जी बी, 8 GB, 10 एंड 12, चेक करते हैं एक बार। देखिए गाइस ये मल्टीपल फील्ड्स भी हमारी आ गई है, ठीक है। सो गाइस देखिए ये कंप्लीटली हमारा एक फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए ओके, एंड यहां पर बटन रख देता हूँ अभी, जैसे रिफ्रेश नहीं होगा पेज हमारा, ठीक है। सो गाइस देखिए इसमें ये हमारा फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है गाइस, अगर आने वाली वीडियो में ना और भी इसका आगे से काम करना स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, अगर कुछ रहता है तो मैं आगे भी इसका जरूर करूँगा, ठीक है। यहां पर हमें करना पड़ेगा, अच्छा इसके अंदर ही इमेज की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जो अपलोड बॉक्स है ना, मैंने यहां पर पैडिंग दे दी है, ये पैडिंग यहां तो नहीं लगेगी। ठीक है एंड ये तो मेरे को क्या कहाँ लगाना पड़ेगा, ये देखिए बॉर्डर तो इसके अंदर है, ओके। अगर मैं यहां पर ओवरफ्लो हिडन लगा दूं तो देखिए प्रॉपर तरीके से ये आ जाएगा।
सो मैंने क्या किया, ये जो है ना पैडिंग 15px मैंने यहाँ पर कर दिया। वेरी गुड। अब देख कितना अच्छा लग रहा है। नहीं यहाँ पर आप फाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एंड यहाँ पर पैडिंग हो जाएगी 2px करते हैं बस। वेरी गुड गाइस, ठीक है। एंड गाइस आज की वीडियो में इतना ही। ओके, अगर कुछ आगे हमको करना होगा इस टेम्पलेट के अंदर तो हम जरूर करेंगे, ठीक है गाइस। इसके अंदर दोस्तों देखिए, अगर अभी तक ना बन चुका है पूरा, ठीक है ना, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखिए कैसे कैसे, एक तो हमारा डैशबोर्ड का ये पेज बन गया, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लेना, जैसे कि अपना कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले कराना है वो करवा लेना। हमारे पास टेबल की एक लिस्टिंग रखी हुई है, ठीक है ना, टेबल की लिस्टिंग बन गई है हमारे पास। ओके, आप इसको जहाँ यूज करना हो वहां पर यूज कर लेना, ठीक है ना। एंड उसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट का व्यू बना हुआ है, ठीक है ना। एक तो ये बन गया, एक प्रोडक्ट अपलोड है, ये कंप्लीट हमारा फॉर्म है। तो आपको अगर जहां भी फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी ना तो आप वहां पर यूज कर लेना, ठीक है। देखिए कंप्लीट ये फॉर्म है हमारा। एंड उसके बाद अगर आपको देखिए ऑर्डर्स के अंदर टेबल चाहिए, सो आपको यहाँ पर टेबल जहां भी यूज करनी हो वहां यूज कर लेना, ठीक है ना। एंड उसके बाद लॉगिन का देखिए पेज ये था हमारा, ठीक है। लॉगिन का पेज हमने ये बनाया था। एंड रजिस्टर का पेज ये था, ठीक है। एंड गाइज इसके बाद आपको जो भी यूज करना है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एंड बस मैं आपके आपको सिर्फ एक चीज और बता दूंगा, यहाँ पर ये, हाँ देखिए कंप्लीट आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यूज कर सकते हैं, कंप्लीट हमारा ये बना हुआ है डैशबोर्ड, ठीक है ना। सो गाइज ये प्लेलिस्ट हमारी खत्म होती है, ठीक है ना। आपको अब इसको अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज करना होगा, क्योंकि मैंने इसमें मोस्टली चीजें बता दी हैं, ठीक है ना। मैं सबके अंदर एक एक पेज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर आपको लिस्टिंग चाहिए तो लिस्टिंग ये बनी हुई रखी है, फॉर्म चाहिए तो फॉर्म यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये वाला फॉर्म यहाँ बना हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर लेना। ओके एंड गाइज ये प्लेलिस्ट यहीं पर फिनिश होती है। अगर कुछ आगे होगा करने लायक तो मैं जरूर इसके अंदर ऐड करूंगा, ठीक है गाइज। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके।